वाराणसी के थाना लालपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव सोईपुर में मनोज राजभर की हुई मृत्यु। वाराणसी के थाना लालपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव सोईपुर में 40 वर्षीय युवक मनोज राजभर को कुछ लोग घर से बुलाकर काम करने के लिए ले गए, मगर 4-5 दिन बीत गए, अभी तक वह अपने घर नहीं आया। आज मीडिया के माध्यम से पता लगा कि एड ए गांव में एक डेड बॉडी मिली है। वीरता के परिवार वाले जब पोस्टमार्टम घर जाकर के देखकर पहचान की तो वह डेड बॉडी मनोज राजभर की ही थी। मृतका की पत्नी रेखा देवी का आरोप है कि जो लोग मेरे पति को घर से काम करने के लिए गए थे उन्हीं लोगों ने मेरे पति को मारा है। आपको बताते चले कि मृतका का पिता जीतू राजभर का कहना है कि मेरे बेटे को जमीनी विवाद के कारण लोगों ने मार दिया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मृतका का पिता विकलांग किस्म का आदमी है, इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरे बेटे को उन लोगों ने मार दिया। परिवार वालों का रो रो के बहुत बुरा हाल हुआ। मृतका की पत्नी रह रहकर बेहोश हो जा रही है। घर में कोहराम मच गया। गांव में एक व्यक्ति की मिली है डेड बॉडी, और डेड बॉडी को देखते हुए लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडेपुर में उसका जो है घर सोएपुर थाना लालपुर क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ पे जब ये पता लगा परिवार वालों को कि आपके बेटे का आपके पति का मृत्यु हो गया है, तो वो जाकर के चीर घर में अपने लड़के को अपने पति को पीड़िता द्वारा जो है पहचान किया गया। वास्तविक में उनका ही जो है उनकी उनके बेटे की ही मृत्यु हो गई थी। उनको उन्होंने जैसा परखा और पहचाना। आपको बताते चले कि पीड़िता के दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, और पीड़िता के पिता का कहना है कि ये जमीनी विवाद की रंजिश की वजह से मेरे बेटे को मार दिया गया है। और पीड़िता के मृतका के पत्नी का ये आरोप है कि हमारे पति को लोग लिवा गए काम करने के बहाने लिवा गए, और वहाँ क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, उन्हीं लोगों ने मेरे पति को मारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़। सर अपना नाम बताइए। रेखा देवी, आज क्या हुआ जिसकी वजह से आप बार बार मंदिर जा रही हैं और ये सब जो है? आपको आपके पति का लाश वगैरह मिला या आपको कुछ पता लगा? लेकिन लवारिस में कहा आप अपने पति को पहचानी कि वही तो आपके पति हैं? पति मूल रूप से पहचान भी। अच्छा ये बताइए कि आपका आरोप है कौन कौन से लोग लिवा गए थे? हाँ जी चौधरी, ये लोग लिवा गए किस काम के लिए ले गए थे? काम करने के। कौन सा काम करते हैं? यहाँ से घर से जो है ले गए कि काम करने के लिए, अब ले जाकर अब क्या उनके साथ हुआ क्या नहीं हुआ सर हम लोग तो जानते नहीं हैं। तो हमारे भाई के साथ क्या वो सब किए न किए अब वो सब जानेंगे ना। विकलांग बाप हमारा, देखभाल करेंगे उनका। तो उनका पूरा उतनी खराब हो गया, किसके सहारे वो चलेंगे? एक लड़की एक लड़का, इनका कौन कौन खिलाने वाला, कौन खिलाएगा? अच्छा ये बताइए, वो तो कमाने वाला चला गया। मनोज की कितने लड़की लड़के थे? एक लड़की एक लड़का है। लगभग उनकी उम्र क्या थी, आप बहन है बता सकते हैं? आपके भाई का उम्र क्या? भाई का कम से कम 40। हाँ हमारा नाम जीतू राम। आज अच्छा आप कहाँ के निवासी हैं? सोएपुर के निवासी हैं। अच्छा आज क्या हुआ है? हुआ ये है कि
28 तारीख को हमारा लड़का काम करने के लिए। जी जी जी। और 28 से आज तक हमारे नहीं आया। हम लोग मिठाई मिठाई से बचत पुलिस में कंप्लेन गुमशुदगी की नहीं किए थे। हाँ, किए थे, चौकी पर गए थे। अच्छा। चौकी पर गए थे, लिखवा रहे थे। दरोगा जी जो है जो अच्छा लिखे, इसके बाद जो है दूसरे काम से चले गए, नहीं लिख पाए। आज क्या पता लगा है? आज हमें पता लगा कि हमारा लड़का हमारे लड़के का लिखित किया। अब वो जो है दीनदयाल लाश पड़ी। अच्छा, चीर घर में आप गए थे? दीनदयाल नहीं, चीर घर शिवपुर में गए थे। हाँ, वहाँ पे आपने लड़के को आप पहचाने? आप वही लड़का आपका था? आखिर में ये क्यों, ऐसा क्यों लोग मारेंगे आपके बेटे? मारने का कारण क्या कारण है वही जानने का? प्रॉपर्टी? वाह, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण के लड़के की आपकी मृत्यु हो गई? आज 45 और वो हमारे